कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की शनिवार को बिहार के समस्तीपुर में तलाशी ली गई। हालांकि उनके हेलीकॉप्टर से कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया, मगर इस मामले से सियासी हंगामा मच गया है। स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताते हुए इसे अनुचित बताया। खड़गे ने समस्तीपुर के हाउसिंग मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी सनी हजारे के समर्थन में जनसभा की थी। अब जानकारी के मुताबिक समस्तीपुर में हेलीपैड पर लैंड करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता मंच पर चले गए। जब सभा चल रही थी तब सीओ सलोनी कर्ण के नेतृत्व में प्रशासन की टीम द्वारा हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। वहां मौजूद एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने इसका वीडियो बना लिया, जो देर शाम वायरल हो गया। इस मामले पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद तमीम ने कहा कि विपक्षी दल को परेशान करने वाली प्रशासन की कार्रवाई है। वहीं सदर एसडीओ दिलीप कुमार ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ये कार्रवाई की गई। समस्तीपुर में जितने भी नेता हेलीकॉप्टर से आए सभी के हेलीकॉप्टर जांचे गए। इसकी रिपोर्ट भी चुनाव आयोग को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि पूर्व में लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जैसे नेताओं के हेलीकॉप्टर की भी तलाशी ली जा चुकी है। खड़गे के हेलीकॉप्टर की तलाश लेने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश देखा गया। इसी क्रम में बिहार के कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने भी इस वाक्य पर बयान दिया। केरल में पहले श्री राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को चेक किया गया, अब बिहार के समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हेलीकॉप्टर को प्रशासन द्वारा चेक किया गया। चेक के दौरान उनके खाने की सामग्री और दवा को नष्ट कर दिया गया। चुनाव आयोग ये बताए देश को कि क्या चुनाव अभियान में निकले नेताओं के हेलीकॉप्टर चेकिंग रूटीन में है। अगर रूटीन में है तो भाजपा के कितने नेताओं का उन्होंने हेलीकॉप्टर चेक किया है? नड्डा जी का किया है, नरेंद्र मोदी जी का किया है, अमित शाह जी का किया है, राजनाथ सिंह जी का किया है, या बिहार के नेताओं का किया है? अगर किया है तो इसका वीडियो सार्वजनिक करें, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि चुनाव आयोग जानबूझकर सिर्फ विपक्षी नेताओं को प्रभावित करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए हेलीकॉप्टर चेक करते हैं, जगह जगह पे गाड़ी रोकते हैं और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उनके दल के नेताओं को फ्री छोड़ते हैं। समस्तीपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा, ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। बीजेपी और आरएसएस के लोगों का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, ये जेल भी नहीं गए। कांग्रेस ने देश के संविधान और लोकतंत्र को बचा कर रखा, तभी नरेंद्र मोदी पीएम बन पाए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।